फ्रेंड्स, आज हम एक स्किन डिजीज पर के विषय में बात करते हैं। उस पर एक मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं। चर्म रोग जैसे पूरे हमारे शरीर पर खुजली हो जाती है, एक्जिमा तक हो जाता है, माथे में सिर में रूसी हो जाती है, पपड़ियाँ सी उतरती रहती है, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। रात को जैसे बिस्तर में हम लेटते हैं तो लेटते ही इतनी खुजली होती है कि आदमी अपने बेड में ही पीठ रगड़नी शुरू कर देते हैं। तो स्किन डिजीज के लिए ये जो हम मेडिसिन आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये बायो 20 नंबर मेडिसिन आती है, नोट कीजिए आप, बायो 20। इसकी चार चार गोली दिन में चार पांच बार आप लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। हम अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी यूज भी करते हैं इसके। हालांकि कभी भी अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना आप दवाई लें तो ना लें तो अच्छा है, लेकिन अगर बाई चांस आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं भी है तो ये मेडिसिन अपना पूरा काम करती है। बस ये है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो वे साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन और लगा देते हैं जो आपको और जल्दी आराम मिल जाए। ये पेटेंट है, ये इस चीज़ के लिए पेटेंट है कि ये काम करेगी ही करेगी। लेकिन जो कुछ सिम्टम्स के आधार से यदि थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है तो उसमें आपके अपने डॉक्टर नज़दीकी कोई भी आपके अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उनसे आप कंसल्ट करें तो वे कोई सहायक मेडिसिन इसमें साथ लगा देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और चर्म रोग के लिए तो होम्योपैथिक से बेटर कोई पैथी है ही नहीं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें। ये मैं फिर बताता हूँ, बायो 20 के नाम से आती है ये। चार चार गोली दिन में चार या पांच बार लेनी होती है इसकी, ऐसे ही मुंह में डाल के चूसनी है दवाई। आप चाहें तो इसके ऊपर ये घूंट गुनगुना पानी पी सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी मुंह में डाल के चूस लें, इनका टेस्ट मीठा होता है, कड़वी नहीं होती ये दवाइयाँ। और बच्चे तो अक्सर होम्योपैथिक दवाइयाँ ही ज़्यादा पसंद करते हैं, एलोपैथिक का तो नाम सुनते ही बच्चे एकदम से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मुझे तो होम्योपैथिक के डॉक्टर के यहाँ जाते ही बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अक्सर चलता है तो वे अपनी दवाई तो खाते ही हैं। कई बार कोशिश ये कर जाते हैं कि अपने पेरेंट्स या घर में किसी और की भी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही होती है तो वो उनको भी उठाकर खाने की खा जाते हैं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सावधानी रखें इन चीज़ों से। मेडिसिन सबकी अलग अलग होती है, जो बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न नहीं है उसकी आपको दवाई नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जैसे कहते हैं कि यदि इंसान के शरीर में कोई बीमारी नहीं है और आप उसकी लगातार दवाई खाते रहेंगे तो वो बीमारी पैदा होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आपको सही राय देने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को समझें। हालांकि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हार्मफुल तो होती है। कोई भी चीज़ हो, जैसे आप मान लीजिए आप के शरीर में ऑलरेडी नट्टर म्यूर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आप एक्स्ट्रा नमक भी खाते हैं, सब जैसे घर में सब सब्जी खाते हैं बराबर समान मात्रा में सबके लिए नमक है, सब सही बता रहे हैं और आप उसको एक्स्ट्रा खा रहे हैं, उससे भी आपको लग रहा है कि नहीं कम है, आप एक्स्ट्रा नमक डाल के खाएंगे तो वो एक बीमारी पैदा कर देती है। हमारे जोड़ों के अंदर से पेन होना शुरू हो जाएगा अंदर जोड़ों में, और नट्रम म्यूर की मात्रा बढ़ने से हमें कई विकार हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसलिए हार्ट की आर्टरीज होती है, हमारे खून पहुंचाने वाली जो धमनियां होती है
ये ज्यादा नमक सेवन करने से हार्ड हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अन्यथा ना लें किसी भी चीज को, दवाई केवल डॉक्टर की सलाह से लें। और जो डॉक्टर ने आपको, मान लो वीडियो में भी हम आपको जितना बताते हैं सिर्फ आप उतना ही करें, अगर उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत कुछ कमी पेशी रहती है तो आप अपने डॉक्टर से या हमसे भी आप कमेंट में जाके मैसेज छोड़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जब भी आप कोई मैसेज छोड़ेंगे, भले ही ऐसा हो जाता है कई बार कि हम आपका मैसेज हमारे पास इस समय आया और उस समय हम पेशेंट वगैरह देखने में बिजी हैं, तो हम फ्री होते ही कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, उसको भी हम चेक करते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको सही सजेशन दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बी हैप्पी एंड बी हैप्पी।